तो बसवन साहब भोलेपन की हद तक वो इस किस्म के आदमी थे, और उनके साथ हमें उनके बहसियत म्यूजिशियन वो एक ऐसा स्कूल क्रिएट कर गए कि जो अपने साथ लेकर चले गए, उसको फिर दोहराना बड़ा मुश्किल हुआ। ये हमारा पंचम जो इनका बेटा आर डी बर्मन, तो उसको पंचम पंचम कहते थे। मैंने कहा तो पंचम आप इसको क्यों कहते हैं? कहने की भाई छोटा था, रोता था तो पंचम का सुर लगता था, चला हम पंचम रखे, तो इसलिए हम पंचम पंचम कहते हैं। तो वो जरा मॉडर्न म्यूजिक की तरफ आ रहे थे पंचम, हालांकि पंचम को सरोद का इल्म था, बाकायदा राग रागिनी का इल्म था, ये नहीं कि वो जानता नहीं था। तबला बहुत अच्छा बजाता था, वो मौसारण बहुत अच्छा बजाता था, बल्कि सुजाता फिल्म में दो तीन जगह बैकग्राउंड में या गाने में भी बजाया उन्होंने। तो वो कुछ बोले मुजरू, मुझको मजरू तो कह नहीं पाते थे, मुजरू तुम पंचम का चाचा है, तुम उसको समझाओ ना भाई। मैंने कहा क्या दादा, ये क्या हो करता है निगरों के बीच में बैठ गया जाके और ढप 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 करता है, उसको बोलो नहीं क्या करता है। तो मैंने कहा दादा जब वो आपका बेटा हो गया आपकी बात नहीं मानता तो मेरी क्या मानेगा। तो नहीं तुम बोलो। मैंने पंचम से कहा, मैंने कहा पंचम दादा ने इस तरह कहा है भाई कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये ढाव ढाव भाव भाव, और ये उनको नहीं पसंद है। तो पंचम ने कहा कि अब बाबा बाबा कहता था, बाबा ने आपके जरिए से कहलाया है तो आप ही कह दीजिएगा, बाबा से कहिएगा कि बाबा के वजह से मैंने म्यूजिक जाना है, म्यूजिक को सीखा है, और बाबा खुद बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, बाबा से खुद भी बराह रास्त भी मैंने बहुत कुछ पाया है, लेकिन उनकी नकल नहीं मारूंगा, ऐसे कह दीजिए। चुनाचे उस लड़के ने करके दिखा दिया। आज यंग जनरेशन में आर डी बर्मन एक स्कूल है, सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, एक स्कूल का नाम है, जिसको हर ये जितने यंग म्यूजिक डायरेक्टर हैं कॉपी करना और उससे इंस्पिरेशन लेना अपने लिए फख्र की बात समझते हैं। मुजरू लड़की को लड़का छेड़ता है ना, उसका मैं एक मीटर बनाया। तो मैंने कहा दादा बताइए क्या मीटर है, बोले ता तरा ता तरा ता तरा। तो मैंने कहा अच्छी बात है मैं लिखता हूँ। तो फिर मैंने उस पर लिखा था छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, उस पर मैंने ही बोल बिठाया था, इस तरह से गाना मशहूर भी हुआ था। आखिरी फिल्म उनकी सबसे आखिरी फिल्म थी मेरे साथ थी इत्तेफाक से अभिमान, तो उसके गीत पॉपुलर हुए तो मुझे उनका लफ्ज अभी तक याद है कि मुजरू तुम इधर आओ, हम गए इधर, तुमको मालूम? मैंने कहा क्या दादा? अभिमान का? मैंने कहा हाँ दादा बहुत गाने चले। नहीं हमको बहुत इज्जत मिला हमको। तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए प्राउड भी थे कि लोगों ने उनकी इज्जत दी और बहुत अच्छा म्यूजिक दिया था उन्होंने। और सिर्फ मैंने जैसे मैंने अर्ज किया और जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनको बड़े एहतराम से, मसल नौशाद साहब, नौशाद साहब कभी नहीं कहते नौशाद भाई, हालांकि नौशाद साहब की धुन से नौशाद साहब के स्टाइल से उनका कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उन लोगों में एक वैल्यू, ये वैल्यूज थी पुराने लोगों में कि एक दूसरे का एहतराम करते थे, इज्जत करते थे और ठीक से सही तरीके से उसको मुखातब करते थे, उन्हें बुलाया करते थे। ये वैल्यूज उनमें थी म्यूजिशियन जैसे इतने म्यूजिक। हाँ एक पर तो मनोरी माफ करें भाई, एक लतीफा याद आ गया मुझे, एक गाना उन्होंने बनाया और उन्होंने मनोरी से और पंचम से कहा इसका ओपनिंग म्यूजिक बनाओ मुखड़े का। इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके और खूब जमा जमा के ले आए और खूब जनाब धूम भाग करके उन्होंने जो सुनाया तो कुर्सी बैठे तो बोलते हैं तक सब खराब कर दिया, खूबसूरत औरत को इतना जेवर पहनाया कि कुछ नहीं दिखता। मतलब यह है कि जब न्यू ट्यून इतनी खूबसूरत है तो उसके लिए इतना गॉर्जियस म्यूजिक ओपनिंग नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी कोई बात होनी चाहिए। मनोरी बाबू याद है ना आपको? तो ये बातें थी उनके साथ और मैंने बहुत इंजॉय किया और आज मैं बहुत उनको, ये नहीं कि मैं अखलाकन कह रहा हूँ, आज यहाँ पर खड़ा हूँ इनकी तस्वीर के पास, ऐसा नहीं, मैं सचमुच उनको मिस करता हूँ। उनको दोबारा मुझे एस डी बर्मन नहीं मिला और वो हमेशा
याद रहेंगे, उनकी बातें याद रहेंगी, उनके भोले मजाक याद रहेंगे, और खुद वो बहुत ही जानदार आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है। और आप लोगों से मुझसे ज्यादा आप लोग उनके बारे में जानते होंगे कि वो कितने बड़े म्यूजिशियन थे। और जैसे कि मैंने कहा, वो एक स्कूल ऐसा क्रिएट किया उन्होंने कि लोग कॉपी करना तो चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, वो स्कूल अपने साथ लेके गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।